ये पार्लियामेंटेरियन प्रोड्यूस करने हैं जो कि आबिद शेर अली और डिफेंस मिनिस्टर जिसने कुलभूषण यादव या बलूचिस्तान में जो रॉ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया और उसके बारे में उसने एक लफ्ज़ नहीं बोलना और उसने इस तरह मस्खरापन करना, इस तरह की बिलो द बेल्ट जाके उसने पार्लियामेंटेरियन की, तो वो लैंग्वेज ही नहीं थी। आई एम सॉरी, अगर पार्लियामेंट ने इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस प्रोड्यूस करने जैसे परवेज़ रशीद साहब हो गए या दानियाल अजीज़ साहब हो गए, जिसको तो आप शायद मेरे ख्याल में गली मोहल्ले में लड़ाई के लिए तो आप बुलवा सकते हैं या सुल्तान राही की तरह नारे तो लगवा सकते हैं, लेकिन आप उनसे कोई पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग ही है, सिर्फ नून लीग ही है। बिल्कुल, आप मुझे बताएं जिन चारों की मैंने मिसाल दी, मेरे ख्याल में हिस्ट्री में इतने बिलो द बेल्ट आपको पार्लियामेंटेरियन आई थी इनको वो ये कहते हैं कि कंटेनर पे खड़े होकर इमरान खान साहब बिलो द बेल्ट जो है बात क्या करते थे, ओए नवाज शरीफ और ओए वजीर आजम का करते थे, ये उसका जवाब है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेनर जो है वो पाकिस्तान के टैक्स के पैसे के से नहीं चल रहा, जो जलसा हमारे अपने जो पीटीआई का खर्चा होता है उस पर चलता है। पार्लियामेंट में एक मिनट जो होता है वो मुल्क के टैक्स के पैसे का 80 लाख रुपए पर मिनट इस्तेमाल होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, तीन तीन दिन सेशन का क्या रिजल्ट निकलता है? के जी प्राइम मिनिस्टर आप अपनी तोता कहानी सुना रहे होते हैं और पीछे दरबारी बैठ के जो है और पटवारी बैठ के तालियां।